टेक एंट्री करनी है। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, भाई दिस इज कॉल्ड ट्रेलर ऑफ द ईयर, ट्रेलर ऑफ द डेकेड और ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी भी कहले तो भाई कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फाड़ डाला यार, बिल्कुल फाड़ डाला है। प्रशांत नील ये बंदा मतलब किस लेवल की राइटिंग करता है, देन उसके बाद उसे रिप्रेजेंट करना, उसे ऐसे विजन सेट करके फिर उसको दिखाना, भाई मजा आ गया, कमाल है भाई। ट्रेलर बहुत ही शानदार है, सालार का जो ट्रेलर जिसके लिए इतनी उम्मीद लताई जा रही थी कि भाई ये मूवी बहुत बिगेस्ट लेवल की ब्लॉकबस्टर होने वाली है, यस प्रूव हो चुका है कि भाई बिगेस्ट लेवल की ब्लॉकबस्टर ये मूवी होगी। और वायलेंस में, मासी एक्शन में, KGF 2 ऐसी ये सारी चीज़ें ना, मुझे लग रहा है कि अब सब धुंधली होने वाली है। एक बार के लिए एनिमल जो अभी चल रहा है हाइप, जिस लेवल का हाइप चल रहा है एनिमल में वायलेंस को लेकर, ये भी भाई कटने वाली है, क्योंकि सालार बिल्कुल रौंदते हुए आगे निकलेगा। इसमें कुछ किसी लेवल का मतलब कोई लिमिटेशन ही नहीं दिखाई जा रही है भाई, जिस हद तक आप सोच सकते हो उस हद तक का वायलेंस, मासी एक्शन, सब कुछ कूटनीति, दुनिया भर की चीज़ें मिलने वाली है भाई। ट्रेलर आ गया, सब चीज़ों को डिकोड करेंगे, क्या है कैसा नहीं है, क्या करना है। वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रशांत नील से एक शिकायत है यार, मतलब किस क्या तुम्हारी विपदा आन पड़ गई आपकी राइटिंग में, कि आप पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रभास को लड़ाने पर तुले हुए हो यार, सीज फायर। ये बंदा यार, ये जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, ये जो लास्ट का एक मोमेंट आया था, ये दोनों एक साथ भाई जबरदस्त लग रहे हैं। वन मैन आर्मी, टू मैन आर्मी, ये काफ़ी है पूरी आर्मी को, पूरी दुश्मनों को रौंदने के लिए। और भाई क्या ही एक्शन, तो बिल्कुल किसी भी लेवल से कम देखने को नहीं मिल रहा है। वायलेंस भर भर के मिलने वाला है, ब्रूटल वायलेंस मिलने वाला है। जब से मुझे लग रहा है कि ए सर्टिफिकेट जब इस मूवी को मिला है, मतलब एडल्ट कॉन्टेंट अगर इसको प्रूव कर दिया गया है, तो भाई प्रशांत नील ने भी दिल खोल के मतलब जितना हो सकता था वायलेंस, ब्रूटल एक्शन, सब कुछ पेल के दिखाया। मतलब एनिमल से इन्होंने इंस्पिरेशन लिया भाई। एनिमल में संदीप रेड्डी मांगा का क्या था, कोई भी कंफ्यूजन नहीं था भाई, सिंपल इंग्लिश, देर इज नो कंफ्यूजन, हम आएंगे ट्रेलर ऐसा लाएंगे, मूवी एनिमल को एडल्ट कंटेंट मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें जो चाहिए था उन्होंने वो दिखाया, वही चीज़ इस बार प्रशांत नील करते आए भाई। कोई भी फिल्टर, कोई भी उसकी ज़रूरत नहीं ली, सपोर्ट की ज़रूरत नहीं ली कि भाई हमें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि मूवी का बहुत कुछ रिवील हो गया, बिल्कुल कुछ रिवील नहीं हुआ है, जितना भी दिखाया भाई अब लग रहा है कि मूवी देखनी चाहिए। ठीक है 21 दिसंबर को डंकी आ जाएगी, लेकिन भाई डंकी का डंका बजेगा अपनी जगह बजेगा, लेकिन जैसे ही 22 दिसंबर आएगा, लोगों की फर्स्ट चॉइस सालार होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर बहुत ही तबाही लेवल का ट्रेलर निकाला है यार। डार्क थीम इस्तेमाल करी है, कोई नहीं, हमने बघीरा का ट्रेलर देखा, टीजर देखा कल को, जो बिल्कुल सेम पैटर्न कॉपी कर रहा है। उसके बाद हम KGF में ये स्लोमो, एक्शन, फाइट सब कुछ देख के आ चुके हैं भाई, ये सब कुछ देखने को। एनिमल में इतना भयंकर लेवल का वायलेंस देखा है हमने, बावजूद इसके ट्रेलर जो हिट करके गया सालार का, मतलब जो हम देखते हैं ना कोई भी चीज़ ऐसे, जब भी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो और कुछ नया लगे, तो भाई वो नया ही होता है। और यस, सालार का ट्रेलर हिट करके गया है। प्रशांत नील की जो मेहनत है, प्रशांत नील का जो प्रॉमिस है, जो बहुत टाइम से प्रॉमिस करा जा रहा है कि भाई हम बिगेस्ट ऑफ द वायलेंस में, मासी एक्शन में बिगेस्ट मूवी लाने वाले हैं, जो ब्लॉकबस्टर हिट जाएगी, डेफिनेटली जाने वाली है, क्योंकि ट्रेलर बहुत शानदार है। मतलब जो भी हेटर्स थे या जो क्रिटिक्स थे, जिन्होंने भाई भर भर के ट्रॉल किया था इस ट्रेलर को, जब ये आया था कि भाई मूवी बिल्कुल वही चीज़ की खोदा पहाड़ निकला चूहिया, ऐसे वाला जो है मुहावरे चलाए जा रहे थे, ऐसे वाली ट्रोलिंग चल रही थी कि भाई हम तुम्हारी मूवी के लिए इतना वेट था, लेकिन तुम दिखा ऐसा रहे हो, सब कुछ खोल के दिखाया है और ज़बरदस्त दिखाया है भाई। वहाँ से सीखा है, मुझे लग रहा है बिल्कुल सीखा है कि यार वो जो ट्रोलिंग थी, वो जो कमियाँ थी, उनको कमियाँ ना लेकर, उनको एडवांटेज में लेकर उन्होंने उसमें सुधार किया, और ज़बरदस्त सुधार किया है। ट्रेलर सॉलिड ऑसम है यार, क्या ही कमी निकाल दे। मतलब आप BGM ले लो, फुल मतलब ज़बरदस्त चल रहा है यार, पूरा जो सामने स्क्रीन में चल रहा है, स्टार्टिंग से ही वो कूटनीतियाँ अलग चल रही हैं भाई। पर्शियन साम्राज्य का कनेक्शन दिखा दिया कि भाई जब एक सुल्तान जो है परेशान होता था, तो वो अपनी सेना को कानो कान खबर नहीं लगने देता था, सिवाय एक को बता के। बस वही काम देवा कर रहा है इसमें, वो देवा को बताएगा और वो सारी चीज़ सॉर्ट आउट करेगा, और वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करते नज़र आ रहा है। और लास्ट में यार जो वो जोड़ी बनी है ना, पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास की, भाई वो जोड़ी के बीच में लड़ाई करवाओगे, ये चीज़ ना हिट कर रही है अभी से, मतलब नहीं कराना चाहिए यार। ये करण अर्जुन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट जोड़ी देखने को मिलने वाली है। मतलब पठान और टाइगर वो एक अलग लेवल की जोड़ी है, लेकिन ये जोड़ी जो अगर आ गई ना सिनेमा थिएटर में, जो आ रही है,
भाई तबाही डाल के जाएगी, एक बार के लिए तबाही डाल के जाएगी। और जब इन दोनों के बीच में वो जो क्लैश होंगे, जनता थोड़ा सा डिसअपॉइंट होगी कि भाई ये क्लैश नहीं होना था, लेकिन वही चीज़ मेन होगी, वहीं से जो कहानी का पूरा रुख बदलेगा वहाँ से मजा आने वाला है। इमेजिनेशन एंड प्रिडिक्शंस बड़ी शानदार सेट होते जा रही है मूवी को लेके, और वो भी पॉजिटिव वे में, मजा आने वाला है। एवरीथिंग इज फाइन, म्यूजिक, बीजीएम, देन वीएफएक्स का बड़ा प्यारा इस्तेमाल कर रखा है भाई, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप बहुत सी चीज़ें विजुअल इफेक्ट्स में दिखा रहे हो जो रियल नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ें वीएफएक्स का है इस्तेमाल है, बावजूद इसके पूरा रियलिटी वाला लुक आ रहा है। और जो डार्क थीम इस्तेमाल कर रखी है मूवी में, बहुत बड़ा कनेक्शन, बहुत बड़ा साम्राज्य देखने को मिल रहा है। जो अलग अलग लेवल पर कहानी चलने वाली है, वुल्फ फैमिली है, वो जो वुल्फ फैमिली है, देन वो ईगल फैमिली है, देन उसके बाद देवा एंड पृथ्वीराज सुकुमारन की वो दोस्ती वाला एंगल, जो केमिस्ट्री है, वो सब कुछ अलग अलग लेवल पर चलने वाली है। एक्शन मसाला अलग चलेगा, कूटनीतियाँ अलग चलेंगी, उन दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस होंगे उसका लेवल अलग चलेगा। तो भाई बहुत कुछ है, बहुत कुछ प्रॉमिस कर रहा है ये ट्रेलर, और वाकई की भाई मूवी दमदार होने वाली है। मैंने देख लिया ट्रेलर, आप लोगों ने देखा नहीं, देखा देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सब कुछ खोल के रख दिया मूवी के लिए, वेट है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, वेट है 1000 करोड़ ईजिली ठोक के जाएगी डेफिनेटली। आपको क्या लगता है, इससे ऊपर जाएगी नहीं जाएगी? मिलते अगली वीडियो में, जय।